सुपौल जिला मुख्यालय के लगभग 5 किलोमीटर दूर बाढ़ से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवारों के लिए राहत शिविर चलाया जा रहा है। मध्य विद्यालय मुंगरा में बनाए गए राहत शिविर में सैकड़ों परिवारों के लिए दिन रात का भोजन बनाया जा रहा है। राहत शिविर के प्रभारी कर्मचारी अशोक शाह ने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेकर बाढ़ पीड़ितों तक मुआवजे की राशि पहुँचाई जाएगी। प्राइवेट नाव है, 70% लोग वहाँ से बाहर निकल के रह रहे हैं, 30% लोग जो वहाँ काम करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से खाना भी भेजते हैं। जी, डीएम साहब के आदेश थे जो कि नाव को बहाली करने के लिए, नाव यहाँ 10 दिन नाव बहाली, 20 दिन नाव बहाली करेंगे, नाव का रजिस्ट्रेशन कराइए। हमने यहाँ छोटा छोटा नाव है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग जा रहे हैं, अभी तक ना रजिस्ट्रेशन हुआ है ना बहाली व्यवस्था हुआ है, लेकिन देव साहब का आदेश था कि 10 नोट चलाइए, 20 नोट चलता है तो 20 नोट। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार